आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलखदमत बनो काबिल की तरफ से लॉन्च किए जाने वाले वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम के बारे में। अलखदमत डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए लॉन्च आउट करता है और इस साल उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम को लॉन्च आउट किया है, जहाँ पर हमारी बहनें घर बैठे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज को कर सकती है, अपने बिजनेस को यहाँ पर इम्पोर्टेंटली रन आउट कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस बताऊंगी अपनी उन सारी बहनों के लिए जो घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती है, अपने स्किल्स को पॉलिश आउट करना चाहती है। सबसे पहले आपको बता दूं, मोर देन 50,000 वुमेन्स यहाँ पर बनो काबिल वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के थ्रू इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर खुद को यहाँ पर रजिस्टर आउट कर सकती है एंड अपने लिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट आउट कर सकती हैं। आपने बनो काबिल की वेबसाइट का विजिट आउट करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा एंड देन आपने फर्दर वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के लिए यहाँ पर खुद को रजिस्टर करना है। ये बात याद रखिए कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ वुमेन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमारी जितने भी बहनें अपने ऑनलाइन बिजनेस को रन करती हैं या डिफरेंट टाइप के स्किल सेट को सीखना चाहती हैं, तो वो इस बनो काबिल वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकती हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन अप होगा एंड आपने यहाँ से अपने बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना है। दो पोर्शन में आपके पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सबसे पहले हम अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन से शुरू करेंगे, तो आपने नेम ऑफ कैंडिडेट के अंदर अपना नाम बताना है, जैसे कि मैंने अपना नाम बताया है महक आलमगीर। देन आपने यहाँ पे आपका CNIC नंबर बताना है। CNIC नंबर लिखते हुए बीच में डैश को यूज नहीं कीजिएगा, बगैर डैश के जिस तरीके से नजर आ रहा है आपने भी सेम इस तरीके से अपने CNIC नंबर को मेंशन आउट करना है। इसके बाद आपने आपका पर्सनल मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे टाइप आउट करना है। देन आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जो भी आपके CNIC के ऊपर लिखी है। उसके बाद आप अपने फादर का नाम बता सकती हैं, आप अपने हस्बैंड का नाम। अगर आप एज 18 ईयर्स से यहाँ पर स्मॉलर है तो आप फादर नेम यूज करेंगे, और अगर आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पर मैरिड है तो आप हस्बैंड नेम को राइट आउट करेंगे। मैंने अपने फादर का नाम यहाँ पर राइट आउट किया है। देन फर्दर मैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले अपने ईमेल एड्रेस को प्रोवाइड आउट करूंगी। ईमेल एड्रेस वो प्रोवाइड आउट कीजिए जो आपके मोबाइल के ऊपर ओपन अप हो या जिसका एक्सेस आपके पास अवेलेबल हो, ताकि जब भी आपको बनो काबिल वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से ईमेल की जाए आपके रजिस्ट्रेशन और आपके कोर्स के लिए, तो आपको ईमेल लास्ट में रिसीव हो। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर आप सिंगल हैं, तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर रही हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंगली मेंशन करना है। देन हमें यहाँ पे रिलीजन बताना है, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली मुस्लिम को सिलेक्ट कर रही हूँ। बाद में आपको यहाँ पे लास्ट क्वालिफिकेशन बतानी है आपकी, कि आपने मैट्रिक किया, इंटरमीडिएट किया, डिप्लोमा किया या फिर आप ग्रेजुएशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है, आपने कभी भी स्टडी आउट नहीं किया, तो उस कोर्स को उस सिनेरियो के अंदर आपने मैट्रिक या फिर ओ लेवल्स को सिलेक्ट आउट कर लेना है। फर्दर पूछ रहा है कि आप अपना जॉब स्टेटस बताइए, तो आप स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप अनएम्प्लॉय के ऊपर जो है वो कलेक्ट आउट करेंगे, और अगर आप कोई बिजनेस ओनर है तो आप सेल्फ एम्प्लॉय के ऊपर सिलेक्ट आउट करेंगी। तो मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट किया है। देन कहता है कि आपने करंट एड्रेस बताना है, तो इसमें आपने आपके घर का एड्रेस बताना है, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्म होगा वो फिल हो जाएगा। आप इसको दोबारा से स्क्रॉल अप कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पर दिखाई दे रहा है, इफ एनीवन हैज एन एग्जिस्टिंग स्किल इन एनीवन ऑफ दीज एरिया वी कैन हेल्प इट रन इनटू द बिजनेस। आपको यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के थ्रू स्किल्स तो सिखा रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि अगर आप हमारी बताई गई किसी स्किल को पहले से ही जानते हैं तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी उस स्किल को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो जो स्किल्स है हमारे पास, आप इनमें से अपने मर्जी के अकॉर्डिंगली कोई भी दो स्किल सेट को चूज कर सकते हो। कुकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, बेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, पेंटिंग, टेलरिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, मेहंदी आर्टिस्ट, हैंडीक्राफ्ट, प्रिंटिंग, कैलीग्राफी, हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ ऑनलाइन ट्यूशन, ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन कंसल्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इवेंट प्लानिंग, बेबी सिटिंग, होम किचन एंड अदर्स की कैटेगरी मौजूद है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई से भी
तो बस इसको यहाँ से चूज कर सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से कैलीग्राफी को चूज कर रही हूँ एंड पेंटिंग को चूज कर रही हूँ। तो आपको इसमें से जो भी चीज पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट आउट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्नॉलेज से रिलेटेड, जिसमें इन्होंने कहा है कि आई हियर बाय एडमिटेड दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आई एम अवेयर दैट इन एंड एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को रिजल्ट टू द टर्मिनेशन फॉर्म इन द प्रोग्राम। यानी कि अगर आप रजिस्टर करते हो कोई भी गलती करते हो तो उस केस में आपका इन्फॉर्मेशन अगर गलत होता है तो आपका यहाँ पर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आपने ध्यान से मेरे वीडियो को फॉलो करना है, इस फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करते हुए आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। अब जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो ये यहाँ पर सबमिट हो गया और ये कह रहे हैं थैंक यू योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इन case of any query call us at 0317822642 or email at support@vanukabal.pk। आप ऐसे यहाँ से ओके कर दीजिए, आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और इस तरीके से एक नया फॉर्म आ जाएगा। अब आपने इस फॉर्म को नहीं फिलअप करना, आपने बस अपने ईमेल और अपने मोबाइल को चेकआउट करना है ताकि जब भी इस कोर्स से रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन आए तो आपको आपके ईमेल एंड मोबाइल के थ्रू पता चल जाए। तो आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आई हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपने चैनल पर डिफरेंट टाइप की फ्री स्किल्स सिखाती हूँ, तो आप मेरे चैनल से भी चेकआउट करके घर बैठे आसानी से पैसे कमा सकती हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।